हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मेरे पास Oppo का A5s है, जिसमें कि ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। आपको सारे स्टेप कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, सारे स्टेप्स फॉलो करके दिखाने वाला हूँ और सारी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। जिस आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो उसके बाद सारे एंड्रॉयड फ़ोन जो कि ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि ओप्पो का ये A5s है, तो आप कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई सा भी A to Z, और वो ओप्पो वीवो सैमसंग जो भी हो, टेक्नो वगैरह जो भी हो, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी हो, जो भी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फ़ोन को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसे मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है, तो इसे ऑन करते हैं। तो फ़ोन ऑन हो चुका है, मैं इसे नीचे रख देता हूँ। थोड़े ही टाइम में ये ऑटो रिस्टार्ट होना, मतलब कंप्लीट ऑन नहीं होगा, बस बार बार ऐसे ही ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये कंप्लीट मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है सारी डिटेल्स के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो को भगा भगा के मत देखना। और अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आगे से आपके पास जो भी एंड्रॉयड फ़ोन आएगा ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम, आप उसे 100% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ़ोन देख सकते हैं फिर से बस रीस्टार्ट बस ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे भाई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, बट डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट से लेकर एंड तक का जो भी स्टेप्स है, सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, फ़ोन अभी भी आप देख सकते हैं बस ऑटो रिस्टार्ट की कंडीशन में ही है। तो फिर से ऑफ हुआ, फिर से ऑन हुआ। ठीक है, तो ये बस वैसे ही कर रहा है। तो आपने करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपको बैटरी कनेक्टर को निकालना है। और उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर इसकी पावर बटन अगर शॉर्ट होगी, ख़राब होगी, तो भी ये फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपने करना क्या है, आपको डायरेक्ट बटन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट बटन को चेंज नहीं करना है आपने, अपने बोर्ड को इससे ऐसे निकाल देना है, ऊपर ऐसे निकालना है। ठीक है, बोर्ड को ऐसे निकाल देना है ताकि जो हमारा जो पावर बटन का कनेक्टर है वो पिने वहाँ पे, उस पर टच नहीं होना चाहिए। बस ऐसे आपको दूर कर लेना है इससे और बैट इससे। ठीक है ना, जो हमारी जो पावर बटन का जो पत्ता नीचे लगा होता है वो पिनों से टच में टच नहीं होना चाहिए। बस इससे ऐसे आपको दूर कर देना है। उसके बाद आपको चिमटी से मोबाइल को ऑन करना है। ठीक है, चिमटी से दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके मोबाइल को ऑन करना है। ठीक है, बोर्ड को आपको चिपकाना नहीं है, दूरी रखना है, ऐसा दूरी रखना है। और आपको यहाँ अब वेट कर लेना है, देखना है कि क्या आपका फ़ोन फिर से ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपकी पावर बटन ख़राब होगी तो यहाँ ऑटो रिस्टार्ट प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, ऑटो रिस्टार्ट फिर भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हमारी बटन भी ख़राब नहीं है। ठीक है, यहाँ हमें ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, बोर्ड जबकि बटन से कोई अटैचमेंट नहीं है तो तब भी बोर्ड मोबाइल हमारा जो है वो ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी बटन प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि बटन तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है अभी, तो फिर भी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ बटन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देख चुके हैं 2-3 बार ये ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो बटन हमारी यहाँ ख़राब नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपको बटन भी चेंज नहीं करना है, फिर वैसे ही आपको बोर्ड को लगा देना है। और सेकेंड काम हमारा ये होता है, सेकेंड स्टेप ये होता है कि इसकी जो बैटरी है ये भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर मोबाइल वाटर डैमेज होता है तो बैटरी भी ख़राब हो सकती है। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये होगा कि एक बार बैटरी को निकाल के हम इसको खोल के देखेंगे, जो इसमें एक रजिस्टर लगा होता है जो कि फ्यूज़ का काम करता है, उसे हम चेक करेंगे कहीं वो डैमेज तो नहीं है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है आपने, बैटरी को खोलना है। और आप अगर आपके पास दूसरी बैटरी है तो आप बैटरी लगा के भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, दूसरी बैटरी चेंज करके आप चेक करके देख सकते हो फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो उसके बाद अगला स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो रजिस्टर है वो मुझे डैमेज दिख रहा है, वाटर डैमेज है, तो यहाँ पर हम इसे जम्पर कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ठीक है, और वीडियो को भाई लोग जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी कोई
नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। आप इससे रजिस्टर के ऊपर से भी डायरेक्ट जम्पर कर सकते हो और रजिस्टर को हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रजिस्टर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो आप इसे हटा ही देना तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। इसे मैंने डिश अच्छा शोल्डर कर दिया है वैसे, तो ये अब वर्क कर जाएगा और जम्पर भी लगा ही देते हैं। तो जम्पर लगा दिया है, अब इसे काट देते हैं और बैटरी को फिर से फिट करते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं, देखते हैं कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं, ठीक है। जम्पर लगा दिया है, आप एंड्रॉयड जो भी फ़ोन हो, सारे फ़ोन हो, कोई सी भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम करता है तो आप इस तरीके से उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करो और अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसे चेक करके सारे स्टेप अगर फॉलो कर रहे हो तो इजी तरीके से उसे रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर का काम करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी, हार्डवेयर भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ अब मैंने बैटरी लगा दिया, मोबाइल को करते हैं ऑन। तो मोबाइल ऑन हो चुका है, अब इसे रख देते हैं नीचे और अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन अब कंप्लीट ऑन होता है या नहीं। आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, अगर ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम करता है तो सबसे फर्स्ट काम आपका यही होता है कि एक बार पावर बटन को चेक कर लेना कि आपकी पावर बटन ख़राब तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है, मोबाइल चालू हो गया, ठीक है ना, मोबाइल चालू हो गया मतलब वो वही प्रॉब्लम थी, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपको पावर बटन तो हो गया, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको बैटरी, अगर आपके पास इसकी अवेलेबल है तो आप बैटरी चेंज करके देख लेना, और अगर बैटरी नहीं है और अगर बैटरी भी आप खोलना नहीं चाहते हो तो आप इसे इसमें चार्जर लगा के मोबाइल को ऑन करना, तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तब भी आप इससे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो कि ये बैटरी की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अगर ये दोनों स्टेप फॉलो करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट की कंडीशन में रहता है तो आपको फिर सॉफ्टवेयर फ्लैश करना होता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।